तो पहले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे मैं हल्क बनी, और वहीं एपिसोड 2 में हमने देखा कि एक हल्क बनने के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे जिन्होंने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा, तुम अभी तक कर क्या रहे हो? जाओ जल्दी दोनों एपिसोड्स देख कर आओ, वरना बाद में मुझे मत कहना कि कुछ समझ नहीं आया। और बाकी जिन लोगों ने बाकी के एपिसोड्स देख रखे हैं, चलो हमारी आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। द वॉचर प्रेजेंट्स अ वेब सीरीज सी हल्क अटॉर्नी एट लॉ एपिसोड 3। मेरा नाम है जेनिफर वॉल्ट्रेस और आज मेरे पास बताने के लिए इतना कुछ है कि मुझे समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहां से करूं। खैर, साथ भी तो नहीं बैठ सकती। कोई ना, चलो पिछली बार जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करती हूं। तो एमिल ब्लोंस्की के अंडरग्राउंड फाइटिंग वाले न्यूज को सुनते ही मैं सीधा उससे मिलने पहुंच गई, क्योंकि इस कांड के मीडिया में आने से उसे बेल तो मिलने से रहा। ऊपर से मेरा एज ए सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन में न्यू करियर बनाने का सपना भी टूट जाएगा। पर मैं जितने गुस्से में उससे मिलने गई थी, उससे मिलने के बाद गुस्सा तो छोड़ो, मेरे पास उसे कहने के लिए शब्द ही नहीं बचा था। आपको यकीन नहीं होगा मैं ये कह रही हूँ, पर बेचारे एमिल की इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, उससे बात करने पर तो मुझे यही समझ आया। ब्लोंस्की ने मुझे बताया कि उसे उस फाइट में जबरदस्ती ले जाया गया था, और ले जाने वाला शख्स कौन था? तो वो था वॉन्ग। जी हाँ, सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम वॉन्ग। आपकी तरह मेरे दिमाग में भी यह बात खटकी थी कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, दुनिया बचाने वाला आखिर यह चिंदी काम क्यों कर रहा है। खैर, इसलिए बाद में हमारी जब मीटिंग हुई तो उसने मुझे बताया कि सॉर्सरर ऑफ सुप्रीम बनने के लिए आपको अपने से किसी तगड़े बंदे को हराकर खुद को साबित करना पड़ता है, तो इसलिए उसने अपने अपोनेंट के तौर पर ब्लोंस्की के एबोमिनेशन को चुना। अरे यार, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, पर क्या कोर्ट इनकी बातों को समझेगा? बिल्कुल भी नहीं। पर फिलहाल मेरे लिए राहत की बात यह है कि वॉन्ग ने मुझसे वादा किया है कि वो इस बात की गवाही देने कोर्ट में आएगा कि उसने ब्लोंस्की को उसकी मर्जी के खिलाफ जेल से भगाया था। खैर, ये तो सारी हो गई मेरी टेंशन की बातें। इन सब लफड़ों के बीच एक इंसिडेंट ऐसा भी होता है जिसमें मुझे बहुत मजा आता है। इस बंदे से आप मिले ही थे। हाँ, बस आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं होगा क्योंकि इसे मैंने इग्नोर कर दिया था। खैर, कोई बात नहीं, वापस इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। तो ये है डेनिस। इस बेचारे को न्यू एस्गार्ड की एक लाइट एल्फ रूना ने चूतिया बना दिया। वो बुढ़ी रूप बदलने में माहिर है। उसने फेमस मेगन द टैलियन का रूप लेकर इससे लाखों डॉलर्स ठग लिए हैं। वैसे मुझे इस बात का दुख तो है कि बेचारे के साथ गलत हुआ, पर वहीं दूसरी तरफ ये सोचकर हंसी भी आती है कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि वो सपने में भी सोचे कि मेगन जैसी स्टार उसे डेट करेगी। खैर, अब क्योंकि सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन का काम ही था ऐसे लफड़ों को सलटाना, तो पग जो कि मेरे ही डिवीजन में है वो डेनिस का केस लड़ने के लिए मान जाता है। वैसे ये केस भी मुझे ही मिलने वाला था, लेकिन डेनिस ने मिस्टर हॉलवे के हाथ पैर जोड़ लिए उसका केस किसी और को देने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं उसकी केस लड़ी तो मैं पहले उसकी बेइज्जती कर करके उसकी चड्डी उतार दूंगी और बेचारे को शर्म से डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कुछ पुराने हिसाब चुकता नहीं हुआ है। कमीने ने पिछली कंपनी में मुझे और निकी को बहुत परेशान किया था, पर हाँ, बाद में मेरे ही बयान पर वो केस जीतता है, क्योंकि जज को ये यकीन ही नहीं हो रहा होता कि कोई इतना बेवकूफ भी हो सकता है। मैंने जज को यकीन दिलाया तब जाकर बात बनी। खैर, इट्स अगेन टाइम फॉर माई प्रॉब्लम्स। तो मीडिया वालों को जैसे ही ये बात पता चली कि मैं ब्लोंस्की का केस लड़ने वाली हूँ, वो लोग किसी भूखे भेड़िए की तरह मेरे पीछे पड़ गए। एक दिन में उन्होंने मुझे इतना फेमस कर दिया जितना कोई मूवी स्टार अपने पूरे करियर में नहीं हो पाता। साले कम्युनों ने भर भर कर मेरे बारे में बकवास छापे हैं। किसी ने लिखा मुझे एवेंजर्स से रिजेक्ट कर दिया गया, किसी ने लिखा मेरे ब्लोंस्की का चक्कर चल रहा है, और किसी ने ये कि मैंने हल्क की मर्दानगी चुरा कर अपने में डाल ली। और यही नहीं, एक कम्युन ने तो यहाँ तक लिख दिया कि मेरे पेट में ब्लोंस्की का बच्चा है। खैर, ये सब तो अब मेरी लाइफ का पार्ट बन चुका है। मेन मुद्दा यह है कि हियरिंग के दौरान वॉन्ग के बयान के बदौलत जजेस का फैसला हमारे फेवर में रहता है और ब्लोंस्की को कुछ शर्तों के साथ बेल मिल जाती है। बस एक गड़बड़ हो जाती है, वो ये कि सबके सामने ये बात एक्सेप्ट करने की वजह से कि उसने ब्लोंस्की को जेल से भगाया था, वॉन्ग का आने वाला वक्त मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इन शॉर्ट, फ्यूचर में शायद उसका केस भी मुझे ही लड़ना होगा। खैर, फ्यूचर की बात फ्यूचर में ही देखेंगे। फिलहाल ब्लोंस्की के केस के खत्म होने से मुझे जिस लेवल का सुकून मिला है बता नहीं सकती। वैसे बताने लायक कुछ है भी, क्योंकि मेरी लाइफ में सुकून मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात है, या कह लो उससे भी छोटी। क्योंकि वापस आते वक्त कुछ घंटे मुझ पर हमला कर देते हैं, वो भी एस गार्डियन हथियार से। वैसे वो माइनिंग के हो जाते हैं, पर हाँ, शुरू में मुझे बहुत डर लगा। मुझे तो लगा मैं गई, मैं तो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी थी। वो तो अच्छा हुआ कि तभी मुझे याद आ गया कि एक मिनट, मैं तो हल्क हूँ। जिसके बाद बस फिर क्या था, मैंने उन सबकी तबीयत से धुलाई कर डाली। पर हाँ, आगे से मुझे संभल कर रहना होगा क्योंकि वो लोग मेरा ब्लड सैंपल लेने आए थे। वो तो अच्छा हुआ मेरी हल्क की बॉडी में नॉर्मल इंजेक्शन नहीं घुस सकते हैं, वरना मेरा काम तो तमाम था। वैसे वो लोग कौन थे, किसके कहने पर आए थे, ये तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आई नो इसकी एंडिंग धमाकेदार नहीं है, पर क्या करें, कभी कभी कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।